हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SPY एकेडमी। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट UPSC एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो में नए हैं या चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, धन्यवाद। तो चलिए आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ UPSC एग्ज़ाम के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं UPSC क्या है। दोस्तों, UPSC एक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है। UPSC का काम है कि देश में बड़े अधिकारियों को नियुक्त करना। ठीक, UPSC अपने एग्ज़ाम के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों में बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त करती है, जो हर साल एक परीक्षा आयोजित करती है, जिसे हम लोग IAS का एग्ज़ाम भी कहते हैं। हर वर्ष फरवरी के महीने में नोटिफिकेशन जारी करती है UPSC, और मई जून के महीने में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम या प्रारंभिक परीक्षा लेती है। तो चलिए इस परीक्षा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर इस परीक्षा पैटर्न की बात करें तो यह परीक्षा तीन चरणों में आयोजित होती है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में। ठीक फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज में जो यह परीक्षा होती है वह प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है। ठीक फ्रेंड्स, इस फर्स्ट स्टेज की परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में दो पेपर्स होते हैं, एक GS और एक CSAT। ठीक, दोनों ही परीक्षा 200 नंबर के होते हैं, और GS में 100 प्रश्न और CSAT में 80 प्रश्न होते हैं। फ्रेंड्स, CSAT जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, मतलब उसमें आपको केवल पास करना है, वो उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। ठीक, यानी कि 200 मार्क्स में से 33% आपको लेकर आना है क्वालिफाइंग वाले एग्ज़ाम में यानी CSAT में, जबकि GS में कट ऑफ रहता है, और कट ऑफ के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। ठीक, तो ये था प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, PT एग्ज़ाम जिसको कहते हैं। अब अगर बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो PT अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस का एग्ज़ाम लिखने का मौका मिलेगा, जिसमें कि कई सारे पेपर्स होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम में कई पेपर्स हैं। एक पेपर ASA का होता है जो 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद चार GS पेपर होते हैं, जिसको GS1, GS2, GS3, GS4 कहा जाता है, सभी 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक, उसके बाद दो पेपर ऑप्शनल के होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्शनल रख सकते हैं, जैसे ऑप्शनल 1 होता है, ऑप्शनल 2, कोई एक सब्जेक्ट का दो पेपर होता है। ऐसे अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल रखा है तो हिस्ट्री में दो पेपर्स होते हैं। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं कि GS1 में कौन सा सब्जेक्ट होता है, GS2 में कौन सा सब्जेक्ट होता है। अगर आपको लगता है कि मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो पर वापस आते हैं। और दो पेपर्स ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं, और 300 मार्क्स के होते हैं, उसमें केवल 25% मार्क्स ही आपको लाना है। एक पेपर होता है इंग्लिश का, जो कि कंपल्सरी है, और दूसरा पेपर होता है जो कोई भी लैंग्वेज आप रख सकते हैं, जो 22 भाषाएं दी गई हैं संविधान में, उस 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा आप रख सकते हैं, उसमें हिंदी और भी कई स्थानीय भाषाओं को लिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से मेंस की परीक्षा में अगर टोटल मार्क्स को जोड़ा जाए क्वालिफाइंग पेपर को छोड़ के, तो 1750 मार्क्स का मेंस की परीक्षा होती है। उसके बाद फाइनल स्टेज, थर्ड स्टेज है, जो इंटरव्यू सेशन है, 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और कुल मिलाकर जब
इसको मार्क्स, इसका मार्क्स जो होता है फाइनल कट ऑफ 2025 मार्क्स में बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं जी। इस प्रकार यूपीएससी का एक एग्ज़ाम पैटर्न है ये, और ये फाइनल जो मार्क्स है 2025 मार्क्स होते हैं। फ्रेंड्स मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, कम से कम एग्ज़ाम पैटर्न और मार्क्स तो समझ ही गए होंगे। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो पर मैं इसके सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं। अगर आपको लगता है कि मैं नई वीडियो बनाऊं तो कृपया कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।